गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन ज्ञान ज्योति एकेडमी ऑनलाइन क्लास। आज हम फिफ्थ क्लास में स्टार्ट करेंगे फिर से। जैसे बच्चों, लास्ट टाइम हम लोगों ने फिफ्थ क्लास में चैप्टर नंबर फोर्थ स्टार्ट कर लिया था। कौन सा था हमारा? क्लीन टोगेटर। पर ये चैप्टर मैंने बाय मिस्टेक स्टार्ट कर लिया था क्योंकि मुझे उस वक्त पता नहीं था कि चैप्टर आप लोगों का कम्प्लीट हो गया है। ठीक है, तो आज हम चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट करेंगे। वो जो फोर्थ हो गया था उसको आप लोग अच्छे से रीड कर लेना। ठीक है, वो तो हमारा कम्प्लीट, पिछली वाली जो ऑनलाइन क्लासे हमारी स्टार्ट थी उनमें वो चैप्टर्स हमारा कंप्लीट हो चुका था। ठीक है, आज हम चैप्टर नंबर सेवन स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर सेवन हमारा क्या है? ग्लोरी ऑफ प्रेज, यानी ग्लोरी का मीन्स होता है महिमा। क्या होता है? महिमा। ठीक है, ये वाला चैप्टर स्टार्ट करेंगे। और जैसे पिछली बार जो मैंने वर्क भी दिया था, तो जैसे वो तो अभी उस चैप्टर से रिलेटेड वर्क जो दिया था तो आप लोगों ने किया भी होगा। ठीक है, तो वो तो अभी रहने देना आप लोग, अभी आज हम लोग फिर से ये वाला स्टार्ट करेंगे। ठीक है, टुडे मदर्स ऑब्जर्व व्हाट सावित्री फास्ट। तो क्या होती है? उस एक मदर से, किसकी मदर से? भावना की मदर्स। तो उन्होंने क्या किया है? व्रत सावित्री इसका क्या रखा है? व्रत रखा है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वर्शिप, यानी पूजा। सीइंग दिस, भावना आस्क, भावना क्या करती है? किससे पूछती है? अपनी मदर से। आई इज़ देयर एनी स्पेशल वर्शिप टुडे, वो अपनी मम से क्या पूछती है कि आज कोई एक स्पेशल डे है क्या? तो मदर्स टॉल दैट टुडेज बेडेड बेड ट्री वुल बी वर्शिप्ड। क्या है? बेड ट्री फुल बी वर्शिप। द नेम वॉज मैनी ट्रीज वॉज वर्शिप ऑन अ डिफरेंट ओकेशन। इसमें क्या होता है, आप लोग देखते होंगे कि है ना, कुछ लोग क्या करते हैं, ट्रीज वगैरह को भी पूछते हैं अकॉर्डिंग टू वर्शिप, है ना, उनकी जो भी भावनाएँ वगैरह होती हैं उनसे रिलेटेड, वो उन्हें क्या करते हैं, उससे पूछते हैं ना। अब क्या है? एट एज आंवला ऑन आंवला नवमी एंड पीपल ऑन द डे ऑफ द दशमाता फास्ट फॉर वर्शिप। अब जो हमारे, हमें पता है हमारे जो अलग अलग जो इंडिया में जितने भी अलग अलग जो ट्रीज पाए जाते हैं, तो उनमें से कुछ जो ट्रीज होते हैं ना, लोग उन्हें एज अ वर्शिप उनको क्या करते हैं, जैसे पूजा करते हैं ना उनकी, वो करते हैं, जैसे पीपल ट्री की पूजा करते हैं, आंवला की पूजा करते हैं, है ना, एक्सेट्रा, ऐसे बहुत सारे ट्रीज है। उसके अलावा बाय वर्शिप दिस ट्रीज वी ट्राई प्रोटेक्ट देम, वो क्यों करते हैं, ताकि वो हमें क्या करते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं। उसी तरीके से इफ़ वी हैव मेंटेन इकोलॉजिकल बैलेंस वी विल हैव टू सेव नॉट ओनली ट्रीज बट ऑल्सो ऑल लिविंग बींग अराउंड अस। अब जैसे आप लोगों को पता है, ठीक है, जैसे अभी हम लोग जो पहले के लोग के वक्त इतने सारे प्लांट्स वगैरह ग्रो होते थे, जैसे जैसे लोगों ने अपना मतलब जैसे सिटी जैसे बढ़ने लगी है, लोगों की पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, तो लोगों को जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ती है, हमें पता है जैसे लोगों को रहने के लिए घर भी चाहिए, घर के घर चाहिए होता है, तो वहाँ लोग क्या करते हैं, फॉरेस्ट की तरफ बढ़ रहे हैं, फॉरेस्ट वगैरह कटिंग करते हैं, जिसकी वजह से हमारा पूरा जो बैलेंस है ना, हमारे जो एनवायरनमेंट का जो इकोलॉजी जो बैलेंस है वो क्या हो चुका है, मतलब अनबैलेंस हो चुका है। ठीक है, जिससे लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पे इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना है कि जैसे लोग अगर किसी ट्रीज की वर्शिप कर रहे हैं, है ना, तो उसकी उस प्लांट्स की अगर किसी ट्रीज की अगर लोग पूजा करते हैं, तो वो क्या करते हैं, उसे पूरी तरीके से प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते हैं कि वो प्लांट्स उसे उस तरीके से पूरे तरीके से प्रोटेक्ट रख सके। ठीक है, वो ठीक है। इसके अलावा और भी अदर प्लांट्स है, जैसे आज के टाइम पर तो काफ़ी मतलब रूल्स वगैरह निकाल स्टार्ट हो चुके हैं कि प्लांट्स को ऐसे हम लोग कट नहीं कर सकते। पहले के लोगों, पहले इतना नहीं वो होता था, लोग क्या करते थे अकॉर्डिंग टू योर नीड क्या करते थे, प्लांट्स को भी कट कर देते, ट्री कट कर देते, फिर उनकी जो वुड्स वगैरह होती थी उन्हें परचेस बेच करके अपना वर्क जो भी होता था काम, वो गुजारा उससे कर लेते थे। ठीक है, अब इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे भावना एंड उसकी मदर्स हैं, वो क्या है, जैसे भावना के, भावना और उसकी मम्मी, कि इसमें क्या कर रहे हैं, भावना की मम्मी ने क्या किया है, जैसे व्रत रखा है और वो किसको पूजा करेंगे, प्लांट्स की। ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन प्रॉब्लम्स ऑफ फूड एंड हैबिटेशन फॉर बर्ड्स एंड एनिमल्स विल राइज। अब अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, अब हमें पता है अगर हम फॉरेस्ट को अगर कट करना स्टार्ट कर देंगे, तो हम किसकी लाइफ को भी डिस्टर्ब कर रहे हैं, एनिमल्स की एंड बर्ड्स की। ठीक है, हम अपने लिए तो रहने के लिए हम वहाँ पे क्या कर रहे हैं, मकान बना सकते हैं, लेकिन हम इसी के साथ हम क्या करते हैं, डिफॉरेस्टेशन के साथ हम अपने एनवायरनमेंट को अनबैलेंस करते हैं, हम एनिमल्स को प्रॉब्लम्स क्रिएट करते हैं और इसके साथ साथ बर्ड्स भी उस प्रॉब्लम से सफरिंग करते हैं। ठीक है, अब भावना और मदर उस दोनों क्या करते हैं, एक डिस्कशन करते हैं कि जैसे भावना की मदर उन्हें क्या बताती है, एक
काफ़ी टाइम के जो स्टोरीज बताते हैं। मदर्स आई हैव हियर्ड अबाउट अमृताज देवी, टेल मी अबाउट हर डिटेल। भावना अपनी मोम को क्या बोलती है कि मम्मा मैंने अमृता देवी के बारे में सुना है, तो आप मुझे क्या बताओ उसके बारे में, डिटेल में बताओ। तो उसकी मदर्स अब उन्हें अमृता देवी के बारे में क्या करती है, बताती है। मैं आप लोग बता दूँ, अमृता देवी जो थे वो कहाँ के रहने वाले थे, जोधपुर के किंग, जोधपुर में एक किंग था, अ किंग ऑफ जोधपुर नीडेड वुड फॉर अ कंस्ट्रक्शन हिज प्लेस। जोधपुर के जो राजा थे उन्हें अपने घर अपना महल बनाने के लिए उन्हें किसकी ज़रूरत थी, लकड़ियों की, है ना। तो इसमें क्या होता है, सो ही ऑर्डर, उन्होंने क्या किया था, अपने जो उनके जो सोल्जर्स होते हैं उन्होंने उनको ऑर्डर दिया कि जाओ और जा कर के कुछ प्लांट्स की क्या करो, आप लोग कुछ प्लांट्स वगैरह ट्रीज वगैरह कट करो और वहाँ से लकड़ियाँ लेकर के आओ। तो उसमें क्या हुआ था, जो सोल्जर्स है वो कौन सा ट्री कट करने आए थे, खेजरी ट्री। कौन सा ट्री, खेजरी ट्री। पीपल्स ऑफ बिश्नोई कम्युनिटीज ऑफ खेजरी विलेज, जो खेजरी विलेज के जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे उन्होंने क्या कहा, प्रोटेस्ट अगेंस्ट, उन्होंने उस प्लांट्स को उन ट्रीज को कट करने से क्या किया, मना किया, ठीक है। इट फॉलोइंग द किंग्स ऑर्डर ही सोल्जर वेंट टू खिजरी विलेज टू कट हिज ट्रीज। जो सोल्जर थे, सोल्जर ने क्या किया, अपने राजा का हुक्म माना कि हमें हमारे जो किंग ने उन्होंने ऑर्डर दिया है कि हमें ट्रीज को कट करके लाना है। और जो बिश्नोई कम्युनिटी के जो लोग थे खिजरी विलेज के, वो ये चाहते थे कि इन ट्रीज को कट नहीं करना है, वो उन्हें क्या करना चाहते थे, प्रोटेक्ट करना चाहते थे। तो इन्हीं में एक लेडीज थे, उनका नेम था अमृता देवी। उन्होंने क्या किया था, उस पूरे जो प्लांट्स होते उसे क्या किया था, ह्यूजली, मतलब उन्होंने और उनके साथ अदर देन और कितने पीपल थे, 363, कितने थे, 363 पीपल थे, है ना। और लेडीज का उनका नेम क्या था, अमृता देवी, ठीक है। इन्होंने क्या, ये अमृता देवी और उसके उनके साथ मिलकर के और 363 पीपल्स ने क्या किया था, उस प्लांट्स को, वो जो ट्रीज था खेजरी ट्रीज थे, उन्होंने उसे कट, उसे कटिंग करने के लिए, मतलब जो किंग के जो सोल्जर्स थे उनसे उन्होंने क्या किया, फाइट्स की अगेंस्ट, उन्होंने उन सोल्जर्स को मना किया कि हम ये ट्रीज जो है आपको कट करने नहीं दे सकते। अदरवाइज उन्होंने यहाँ तक कि बोल दिया कि अगर आप लोग ये ट्रीज को कट करते हो तो हम क्या कर सकते हैं, अपनी जाने भी दे सकते हैं। और कौन सा ट्री था उस वक्त, खेजरी ट्री, है ना, खेजरी ट्री, ठीक है। अदर पीपल्स ऑफ द विलेज ऑल्सो यूज द ट्रीज, है ना। द किंग सोल्जर कट द विलेजेस अलोंग विद द ट्रीज। अमृता देवी अलोंग विद 363 पीपल सेक्रीफाइड हर लाइफ टू सेव अ खेजरी ट्री। उन्होंने क्या किया, अपने लाइफ तक का सेक्रीफाइस कर दिया, किस लिए, कि वो वहाँ से उन सोल्जर्स को खेजरी ट्रीज क्या नहीं देंगे, कट करने नहीं देंगे। तो क्यों नहीं कट करने दिया, इसी वजह से कि वहाँ से अगर ट्रीज कट होते हैं तो इनको प्रॉब्लम्स होती है, एनिमल्स को, बर्ड्स को, और साथ ही साथ हमारे एनवायरनमेंट में प्रॉब्लम होती है, हमारा एनवायरनमेंट क्या हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, हमें बहुत सारी चीज़ों की क्या करना पड़ता, चीज़ों से क्या करना पड़ता है, सफ़र करना पड़ता है, ठीक है। तो इसके अलावा इसी ये जब आंदोलन हुआ था, तो इन हिस्ट्री सो अदर इंसिडेंट हैज़ हैपेंड व्हेन पीपल एंड सेक्रीफाइड देयर लाइव्स और ट्रीज। हिस्ट्री में ऐसे बहुत सारी और चीज़ें भी हुई है जिन लोगों ने क्या किया है, ट्रीज के लिए अपनी जाने क्या की है, दी है। तो इस आंदोलन को क्या बोलते हैं, पीपल गेट इंस्पायर्ड बाई, और ये इन लोगों ने इस चीज़ से इंस्पायर्ड होकर के इस आंदोलन को एक लॉन्च लिया, आंदोलन को लॉन्च किया, और आंदोलन को नेम दिया चिपको आंदोलन या चिपको मूवमेंट, क्या बोल सकते हैं इसे, चिपको आंदोलन या क्या बोल सकते हैं उसे, मूवमेंट, है ना, ये हम बोल सकते हैं। अब उसके बाद में फिर भावना, व्हाई डिड पीपल सो डू पीपल सेक्रीफाइड देयर लाइव्स टू ट्रीज बिकॉज ट्रीज गिव्स अस, और ट्रीज आप लोगों को पता है हमें ट्रीज तो बहुत कुछ देते हैं, जैसे फ्रूट्स, फ्लावर्स, है ना, ग्रेन्स, वेजिटेबल्स, वुड, मेडिसिन, ऑक्सीजन, मतलब ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि हम भी तो प्लांट्स कहीं ना कहीं, हम भी तो प्लांट्स के ऊपर डिपेंड्स हैं, ठीक है। प्लांट्स से हमें ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है, उसके अलावा फ्रूट्स वगैरह होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, होती है, ग्रेन्स होती है, तो इन्हीं चीजों की वजह से उन्होंने क्या किया था, उन ट्रीज के लिए क्या किया, क्या किया उन्होंने, अपनी लाइफ को क्या क्या सेक्रीफाइस किया। क्यों, क्योंकि सिर्फ प्लांट्स ही, वो दिखने में तो चलो हमें दिख रहा है एक नॉर्मली ट्री है, लेकिन वो हमें क्या क्या, हमें क्या देता है, तो जिसकी वजह से क्या हम उन्हें सेव नहीं कर सकते। एक ट्रीज से हमें क्या, आप लोगों को पता है कि जैसे
हर जगह पर ये होता है कि ट्रीज लगाना आज के टाइम पर काफ़ी क्या है, इम्पोर्टेंट हो चुका है, क्योंकि जितने बढ़ते इंडस्ट्रीज वगैरह है या जितना डेवलपमेंट हमारी लाइफ में हम लोगों ने किया है, तो कहीं ना कहीं हमने ट्रीज के पार्ट्स को भी क्या किया है, मिस किया है। तो उसके अकॉर्डिंग इसमें जैसे उन्होंने भावना ने क्या किया, फिर उसकी भी फिर भावना ने क्या कहा, इट मीन्स पीपल सेक्रीफाइड देमसेल्फ टू ट्रीज, मतलब उन्होंने अपने लिए ही, अपने खुद के लिए ही उन्होंने क्या किया था, ट्रीज को सेव किया था, उसी के लिए उन्होंने सेक्रीफाइस किया था। तो ऐसे इस मूवमेंट को क्या बोलते हैं, अमृता देवी वाले मूवमेंट्स को क्या बोलते हैं, चिपको मूवमेंट्स भी बोलते हैं और चिपको आंदोलन भी बोलते हैं। अब हम नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे, फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन द एंशियंट ट्रेडिशंस ऑफ राजस्थान। क्या पढ़ेंगे, फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन। तो इसमें बच्चों आप लोगों को क्या दिया है, जैसे भावना है, संजय है और उसके टीचर से ये क्या है, एक कन्वर्सेशन है, ठीक है। इस कन्वर्सेशन में उन्होंने क्या लिखा, आई फील एक्साइटेड आफ्टर विजिट द फेयर ऑफ आर लुक डेटी, आई सो अ बिग पैस्टुरेट एंड ऑरन नियर देयर फेयर कंपाउंड, वॉट इज अ पैस्टुरेट एंड ऑरन, आई हैव सीन मैनी ट्रीज बशेज एंड अनकल्टिवेटेड लैंड फ्रॉम द ट्रीज एंड बशेज हियर सीम that people do not use access to them। तो ये क्या है, भावना और भावना के टीचर्स और एक संजय और हैं, उन सब इनके तीनों के बीच में क्या है, एक कन्वर्सेशन है, जिस कन्वर्सेशन को आपको क्या करना, अच्छे से पढ़ना है, किससे रिलेटेड है, फॉरेस्ट वेल्थ कंजर्वेशन के रिलेटेड है ना, ये आप लोगों को खुद को रीड करना है। इसके अलावा फिर आप लोगों को मैं एक और इसमें पॉइंट बताती हूँ, ऑन योर बर्थडे, जब आपका बर्थडे हो या फिर न्यू ईयर हो या फिर कोई भी पार्टिकुलरली कोई एक रीजन हो या कोई डे हो आप लोगों के लिए जो इम्पोर्टेंस हो, तो उस डे पे आप लोग क्या करोगे, फॉर यू प्लांट अ सैपलिंग, यानी प्लांट इन द सेम नेम ऑफ योर एंसेस्टर एंड टेक अ रिजोल्यूशन टू कंप्लीट द केयर फॉर इट। आप लोग क्या करोगे, जैसे आपका बर्थडे आता है या कोई स्पेशल डे आप लोगों की लाइफ में होता है, तो आप उस वक्त क्या करोगे, एक प्लांट ग्रो करोगे ना, एक प्लांट लगाओगे, तो उस प्लांट्स को आप उसी चीज से रिलेटेड उसे क्या दोगे, उसका नेम दोगे, ताकि आप भी जैसे जैसे प्लांट्स आपके सामने वो ग्रो होता रहे, ताकि आपको भी ऐसा एहसास हो कि मैंने ये प्लांट्स अपने इस रीजन से मैंने क्या किया था, ग्रो किया था, ठीक है। अब उसके नीचे दिया है डिस्कस एंड टेल व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फॉरेस्ट, फॉरेस्ट की मीनिंग क्या होती है, व्हाट विल हैपन इफ देर इज अ शॉर्टेज ऑफ ट्रीज इन द फॉरेस्ट, जब क्या होगा, जब फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज क्या होने लगेंगे, कम होने लगेंगे, व्हाट एल्स इज फाउंड इन द फॉरेस्ट अदर देन ट्रीज, क्या होगा, वॉट एल्स इज फाउंड इन द फॉरेस्ट अदर देन ट्रीज, अगर फॉरेस्ट में ट्रीज नहीं होंगे तो उसके अलावा और वहाँ पर हमें क्या मिलेंगे, डू यू प्लांट सैपलिंग इन योर स्कूल, क्या आप अपने स्कूल में प्लांट सैम्पलिंग करोगे, है ना, वॉट डू यू एंड योर फ्रेंड टेक केयर ऑफ ट्रीज, आप और आपके दोस्त उस ट्रीज की कैसी केयर करोगे। तो ये जो 5 क्वेश्चन है ना बेटा, आप लोगों को क्या करना है, खुद से क्या करना है, इनके आंसर लिखना है और मुझे क्या करना है, मेरे व्हाट्सएप पे सेंड करना है, ठीक है। इसके अलावा अब हम पढ़ेंगे इन द फॉलोइंग टेबल या पार्क सेंचुरी, इन द फॉलोइंग टेबल पार्क एंड सेंचुरीज ऑफ राजस्थान एंड डिस्ट्रिक्ट वेयर दे आर लोकेटेड, है ना। अब हम राजस्थान के कुछ पार्क और सेंचुरीज के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। राजस्थान में कितनी पार्क और सेंचुरीज है, राजस्थान में रणथंभौर है टाइगर रिजर्व नेशनल पार्क, जिस जहाँ पर सबसे ज़्यादा क्या है, टाइगर को रिजर्व करके गया है, ये कहाँ पर पाया है, कौन से उसमें डिस्ट्रिक्ट में, सवाईमाधोपुर में। फिर उसके बाद में किलोडियो नेशनल पार्क घना बर्ड सेंचुरी, जिसे क्या बोला जाता है, किलोडियो नेशनल पार्क या घना बर्ड सेंचुरी, इसमें ये कहाँ पर है, राजस्थान के भरतपुर में, कहाँ पर है, भरतपुर में। उसके बाद में है डेजर्ट नेशनल पार्क, क्या है, डेजर्ट नेशनल पार्क कहाँ है, जैसलमेर यानी बाड़मेर में। एंड सरिस्का नेशनल पार्क ये कहाँ पर है, अलवर में, ठीक है। ये क्या है, यहाँ पर जैसे राजस्थान का जैसे कि हमें दिया गया है, राजस्थान डिस्ट्रिक्ट मैप दिया गया है और इसमें हमें बताया गया है इस टेबल में कि राजस्थान में कितनी है, 4 जगह पर नेशनल पार्क या सेंचुरीज है, एक है सवाईमाधोपुर में, एक है भरतपुर में, एक जैसलमेर यानी बाड़मेर में और एक है अलवर में, ठीक है। अब इसके अलावा फूड चेन क्या होती है, आपको पता है किसको बोलते हैं फूड चेन वो होता है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर क्या होता है, डिपेंड्स होता है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे फूड चेन,
है ना, कि फूड चेन हम किसे बोलते हैं। ठीक है, अब एक जैसे सौम्य सेड टू हर मदर, आई वॉटर द प्लांट एट होम एवरी डे। सौम्य क्या बोलते हैं अपनी मॉम को, कि मैं हर रोज़ अपने घर पे जो प्लांट्स उसे क्या दूंगा, वाटर दूंगा। आई फीड द बर्ड्स, देन टेल मी मदर हु गिव्स फूड टू द एनिमल इन फॉरेस्ट। फिर उसकी मदर क्या पूछती है कि एनिमल्स को कौन, मतलब एनिमल्स को फूड्स कौन देता है उसमें फॉरेस्ट में, एंड हु वाटर्स द प्लांट्स, और फिर प्लांट्स को वाटर कौन देता है। सौम्य क्या बोलते हैं अपनी मॉम को कि मेरे घर में जो प्लांट्स मैंने जो ग्रो किया है मैं उसमें रोज़ वाटर भी दूंगा, और जो बर्ड्स है उसे क्या दूंगा, रोज़ खाना खिलाएंगे। फिर भी उसकी मॉम उससे पूछती है कि जो प्लांट्स जो एनिमल्स जो फॉरेस्ट में रहते हैं उन्हें कौन खाना देता है, और जो प्लांट्स फॉरेस्ट के अंदर पाए जाते हैं उन्हें वहाँ पे कौन वाटरिंग करता है। ठीक है, मदर सेड हर्बीवोरस एनिमल दैट फीड ऑन प्लांट्स। कौन से हर्बीवोरस, कौन से एनिमल्स को बोलते हैं, वो एनिमल जो सिर्फ क्या खाते हैं, प्लांट्स। क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल्स। हर्बीवोरस एनिमल्स किनको बोलते हैं, ओनली ईट प्लांट। वो एनिमल जो क्या खाते हैं, सिर्फ प्लांट्स ही खाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, हर्बीवोरस एनिमल। ठीक है, गेट देयर फूड फ्रॉम द ट्रीज या प्लांट्स। वो अपना फूड किससे खाते हैं, ट्रीज से या प्लांट से। क्यों, क्योंकि वो सिर्फ क्या खाते हैं, ओनली ईट अ प्लांट। तो वो कोई भी ट्रीज या प्लांट्स खा करके अपना पेट भर सकते हैं। एंड द एनिमल दैट ईट मीट, और ऐसे एनिमल जो क्या खाते हैं, मीट खाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, कार्निवोरस। क्या बोलेंगे उन्हें, कार्निवोरस किसको बोलेंगे, कार्निवोरस क्या है, ईट ओनली एनिमल्स। वो क्या करते हैं, जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या खाते हैं, सिर्फ और सिर्फ क्या खाते हैं, एनिमल्स। गेट देयर फूड फ्रॉम द स्मॉलर एनिमल्स। ये अपना फूड किससे खाएंगे, जैसे हमें पता है हर्बीवोरस तो वो एनिमल हो गए जो क्या करेंगे, ईट ओनली प्लांट्स, है ना। अब कार्निवोरस क्या हो गए, ईट ओनली एनिमल्स। ये क्या करेंगे, जो एनिमल्स को क्या खा लेंगे, प्लांट्स को खा करके और बड़े हो जाएंगे, और जो एनिमल्स जो एनिमल्स दूसरे एनिमल्स को खाते वो क्या करेंगे, अपने से छोटे एनिमल्स को खा करके अपना पेट फिर अपना फूड कंप्लीट करेंगे। गेट देयर फूड फ्रॉम अदर स्मॉलर एनिमल्स। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, फूड चेन। क्या बोलते हैं उसे, फूड चेन। अब इसमें देखो मेक अ लिस्ट राइट हु हैज़ ईटन। ये आप लोगों को इसमें पेज नंबर 58 पे दिया गया है। इस टेबल में आप लोगों को ये फील करना है कि कौन किसको खाता है। प्लांट्स क्या करते हैं, डियर क्या करेगा, केट किसको खाएगा, डॉग किसको खाएगा, एंड रेट किसको खाएगा। ये आपको क्या करना है, खुद को फील करना है ना। सी द पिक्चर एंड टेल हु इज ईटिंग होम। और उसके बाद में ये वाली पिक्चर भी आप लोगों को इस इसके ऊपर दी गई है, तो आपको इसके ऊपर ये बताना है कि कौन किसको खाएगा। तो आपको क्या करना है, ये कॉलम भी पेंसिल से फिल करना है, और यहाँ पर भी ये फिल करके ये मुझे बताना है कि इस कॉलम की यहाँ पे तो क्या फिल होगा और यहाँ पे कौन किसको खाएगा, है ना। ये करके आप पेंसिल से फिल करके मुझे क्या करना है, इसकी पिक सेंड करना, तो मैं आपको उसमें बता दूंगी कि आपने ये जो फिल किया है वो करेक्शन है या मतलब करेक्ट है या नहीं है। ठीक है, अब उसके अलावा अब आप लोगों को इसमें क्या करनी है, एक्सरसाइज करनी है। तो एक्सरसाइज का जैसे फर्स्ट वाला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय फूड चेन। आप फूड चेन के बारे में क्या समझते हो, गिव एन एग्जांपल, एग्जांपल देना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सेंचुरी एंड पार्क, सेंचुरी और पार्क के बारे में बताना है आपको। तो ये दो तीन क्वेश्चन आंसर है, ये आप लोगों को एक बार अपने आप से ऑन सर्च करना है, उसके बाद में तो मैं आप लोगों को क्या कर दूंगी, ये वर्क बता दूंगी। लेकिन पहले कोशिश आप लोगों को करनी है कि आप लोग इसमें से जितने भी क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं उन्हें क्या करोगे, सर्च करोगे, और फिर पेंसिल से फिल करके आप मुझे सेंड करोगे कि मैम हमने ये वर्क किया है, ये राइट है या रॉन्ग है। फिर मैं उसके बाद आप लोगों को बताऊंगी कि आपने जो वर्क किया है वो राइट है या रॉन्ग है। ठीक है, इतना मैंने आप लोगों को पूरा चैप्टर्स के बारे में एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप लोगों को ये वर्क करना है। ठीक है, उसके अलावा आप लोगों को इस चैप्टर को अच्छे से रीड करना। ठीक है, और बेटा स्टे होम स्टे सेफ, ओके गुड बाय।